हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल एसके ब्लॉग्स में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको होंडा हनी 2.0 एंड टीवीएस अपाची आरटीआर 164V, बजाज पल्सर एनएस 160, टीवीएस अपाची 204V एंड बजाज पल्सर एनएस 200, इन चारों बाइक से होंडा हनी 2.0 का आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले इन सभी बाइक्स के पावर ट्रेन की बात करें तो सबसे पहले इन बाइक्स की इंजन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो होंडा हनी 2.0 में टोटल 184.4 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आपको इंजन अवेलेबल होगा। सेकंड, टीवीएस अपाची आरटीआर 160 में 159.7 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन आपको अवेलेबल होगा। थर्ड, टीवीएस अपाची आरटीआर 204V, इसमें आपको 197.75 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन आपको अवेलेबल होगा। फोर्थ, बजाज पल्सर एनएस 160 में आपको 160.3 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन आपको अवेलेबल होगा। फिफ्थ वन इज द बजाज पल्सर एनएस 200, इसमें आपको 199.5 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको अवेलेबल होगा। बात करते इन पांचों बाइक्स के पावर की, तो होंडा हनी 2.0 में आपको 17.2 hp की पावर मिलती है 8500 rpm पर। वही सेकंड, टीवीएस अपाची आरटीआर 164V में आपको 16.02 hp की पावर मिलती है 8250 rpm पर। थर्ड वन इज द अपाची आरटीआर 204V, इसमें आपको 20.5 hp की पावर मिलती है 8500 rpm पर। एंड फोर्थ वन इज द 160NS, इसमें आपको 17.2 hp की पावर मिलती है 9000 rpm पर। एंड फिफ्थ वन इज द एनएस 200, इसमें आपको 24.5 hp की पावर मिलती है 9750 rpm पर। बात करते इन पांचों बाइक्स के टॉर्क की, तो होंडा हनी 2.0 ये 6000 rpm पर 16.1 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। एंड सेकंड वन इज द आरटीआर 164V, ये आपको 7250 rpm पर 14.12 Nm का टॉर्क ये बाइक जनरेट करती है। थर्ड वन इज द 204V, ये बाइक 7050 rpm पर 16.8 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। एंड फोर्थ वन इज द बजाज पल्सर एनएस 160, ये बाइक 7250 rpm पर 14.6 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। एंड फिफ्थ वन इज द एनएस 200, ये बाइक 8000 rpm पर 18.5 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं। बात करते हैं इन बाइक्स की पावर एंड वेट रेशियो की, तो होंडा हनी 2.0 में आपको 121.12 hp की पावर मिलती है। एंड वेट रेशियो की बात करें तो 2:9। एंड सेकंड, आरटीआर 164V में आपको 107.51 hp की पावर मिलती है, इसका वेट रेशियो है 2:9। एंड थर्ड वन इज द आरटीआर 204V, इसमें आपको 133.98 hp की पावर एंड वेट रेशियो इसका 2:9। एंड एनएस 160 में आपको 113.9 hp पावर मिलती है एंड इस बाइक का वेट रेशियो है 2:9। एंड फिफ्थ वन इज द एनएस 200, इस बाइक की जो पावर है आपको मिलेगी 157.05 की एंड इस बाइक का वेट रेशियो वो भी आपको मिलेगा 2:9 में। बात करते इन बाइक्स के साइज की, तो एंड अंडर पिनिंग्स की, तो इस बाइक का जो होंडा हनी 2, सबसे पहले इन बाइक्स की वेट कर्व वेट की बात करें तो होंडा हनी 2.0 इस बाइक का टोटल वेट है वो है 142 kg। एंड सेकंड वन इज द 164V का टोटल वेट है वो है आपको मिलेगा 147 kg ड्रम में एंड 149 डिक्स में। एंड थर्ड वन इज द आरटीआर 204V में आपको 153 kg का वेट अवेलेबल होगा। पल्सर एनएस 160 में आपको 151 kg की बाइक अवेलेबल होंगी। फिफ्थ वन इज द 200NS, उसमें आपको 156 kg का वेट ये बाइक आपको देगी। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें इन पांचों बाइक्स की, तो होंडा हनी 2.0 का ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 167 mm का एंड टीवीएस अपाची आरटीआर 164V का ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 180 mm का। एंड टीवीएस अपाची आरटीआर 204V इस बाइक का भी ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 180 mm का ही है। एंड फोर्थ वन इज द एनएस 160, इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है वो है टोटल 177 mm का। एंड फिफ्थ वन इज द एनएस 200, इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 168 mm का। एंड इन पांचों बाइक्स के व्हील बेस की जानकारी ले तो होंडा हनी 2.0 का टोटल व्हील बेस है वो है 1355 mm का। एंड 164V का ग्राउंड व्हील बेस है वो है 1000
1357 mm का। एंड थर्ड वन इज द आइटिया 204V, इस बाइक का व्हील बेस है 1353 mm का ही है। एंड NS160 का व्हील बेस देखे तो 1372 mm का है। एंड NS200 का व्हील बेस देखे तो वो है 1363 mm का है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो होंडा ऑनियो 2.0 में आपको फ्रंट में 276 mm का डिक्स मिलता है एंड रियर में आपको 220 mm का डिक्स मिलता है। आरटीआर 164V की बात करें तो इसमें फ्रंट में आपको 270 mm का डिक्स मिलता है और फ्रंट एंड बैक में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको अवेलेबल होगा। एंड थर्ड वन इज द आरटीआर 204V, इस बाइक में आपको फ्रंट में 270 mm डिक्स आपको अवेलेबल होगा और रियर में आपको 240 mm का डिक्स ये बाइक प्रोवाइड करेगी। एंड NS160 की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में 260 mm डिक्स आपको अवेलेबल होगा, साथ ही इसके रियर में 230 mm का डिक्स आपको अवेलेबल होगा। फिफ्थ वन इज द NS200, इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में 300 mm डिक्स मिलेगा और रियर में आपको 230 mm का डिक्स ब्रेक मिलेगा। USD फोर्क की बात करें इन पांचों बाइक्स की तो होंडा ऑनियो 2.0 में टेलीस्कोपिक फोर्क आपको अवेलेबल होंगे। एंड टीवीएस अपाची आरटीआर 164V में आपको ब्रेकिंग सस्पेंशन की बात करें तो होंडा ऑनियो 2.0 में आपको USD फोर्क मिलेंगे, टीवीएस अपाची आरटीआर 160 में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क मिलेंगे। एंड थर्ड वन इज द अपाची आरटीआर 204V में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क ही मिलेंगे। एंड बजाज पल्सर NS160 में भी आपको टेलीस्कोपिक फोर्क ही मिलेंगे। एंड फिफ्थ वन इज द NS200, इसमें भी आपको टेलीस्कोपिक फोर्क ही मिलेंगे। सस्पेंशन की बात करें तो ये हो गए, इसके पहले के जो बात है वो फ्रंट सस्पेंशन हो गए। अब रियर सस्पेंशन की बात करें तो होंडा ऑनियो 2.0 में आपको मोनोशॉक मिलेंगे रियर में। एंड आरटीआर 160 में भी आपको मोनोशॉक ही मिलेंगे, 200 आरटीआर में भी आपको मोनोशॉक मिलेंगे, 160 एनएस में भी आपको मोनोशॉक ही मिलेंगे एंड 200 एनएस में भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन अवेलेबल होंगे। एंड जो रियर सस्पेंशन है इन पांचों बाइक्स का वो आपको सेम ही होगा। टायर्स की बात करें तो होंडा ऑनियो 2.0 में 110/17x17 इंच के टायर मिलेंगे। एंड 160 आरटीआर की बात करें तो इसमें 19x90-17 का आपको टायर अवेलेबल होगा, 200 में भी सेम ही 19x90-7। एंड 160 एनएस में आपको वो भी सेम ही मिलेगा, सिवा NS200 में आपको 100x80-17 के टायर्स मिलेंगे। ये तो हो गए फ्रंट टायर की बात हो गई। अब रियर टायर की बात करें तो इसमें आपको होंडा ऑनियो 2.0 में 140-17x17 के आपको टायर मिलेंगे। एंड 160 आरटीआर की बात करें तो इसमें आपको 110-18-17 ये आपको ड्रम में होगा एंड 130/13-17 ये आपको डिक्स में अवेलेबल होंगे। एंड आरटीआर 200 की बात करें तो इसमें आपको रियर में 130-17-R17 इस साइज के आपको टायर अवेलेबल होंगे। एंड NS160 की बात करें तो इसमें आपको रियर में 120-18-17 के टायर अवेलेबल होंगे। एंड NS200 इस बाइक के रियर टायर की बात करें तो इसमें आपको 130-17-17 के आपको टायर अवेलेबल होंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें इन पांचों बाइक्स की तो होंडा ऑनियो 2.0 में आपको टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी जाती है वो है 12 लीटर्स की। एंड सेकंड वन इज द 164V, इस बाइक में आपको टोटली 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी अवेलेबल होंगी। एंड टीवीएस अपाची आरटीआर 204V में भी आपको 12 लीटर्स की कैपेसिटी ये बाइक प्रोवाइड करेगी। एंड NS160 में आपको भी ये बाइक टोटल 12 लीटर्स का ये इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एंड NS200 में भी इसका 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। फीचर्स की बात करें इन पांचों बाइक्स की तो सबसे पहले इस बाइक का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो होंडा ऑनियो 2.0 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिया है। एंड टीवीएस अपाची आरटीआर 164V में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको अवेलेबल होगा। आरटीआर 204V में भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड करेगी ये बाइक। एंड बजाज पल्सर NS160 में आपको डीजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा। एंड NS200 में भी आपको डीजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको अवेलेबल होगा। ABS की बात करें इन पांच बाइक्स में तो होंडा ऑनियो 2.0 में आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। एंड टीवीएस अपाची आरटीआर 164V में आपको भी सिंगल चैनल ABS मिलेगा। एंड टीवीएस अपाची आरटीआर 204V में आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा। NS160 में भी आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। एंड NS200 में भी आपको
सिंगल चैनल एबीएससी मिलेगा। आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी किसी बाइक में अवेलेबल नहीं होंगे। इंजन किल स्विच की बात करें तो होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको इंजन किल स्विच आपको अवेलेबल होंगी, एंड आरटीआर 160 में भी, 204 में भी, एंड 160NS में एंड 200NS में भी आपको इंजन किल स्विच आपको ये बाइक्स प्रोवाइड करेगी। प्राइस की बात करें इन पांच बाइक्स की तो एक्सशोरूम नागपुर में, तो होंडा हॉर्नेट 2.0 की एक्सशोरूम प्राइस नागपुर में वो है टोटल 1.27 लाख रुपीज। टीवीएस अपाची आरटीआर 160 की 4V इस बाइक की एक्सशोरूम प्राइस नागपुर में वो है 1.04 लाख टू 1.07 लाख रुपीज रखी गई है। थर्ड वन इज द अपाची आरटीआर 200 4V इस बाइक की एक्सशोरूम प्राइस नागपुर में वो है 1.28 लाख रुपीज। फोर्थ वन इज द NS160 इस बाइक की एक्सशोरूम प्राइस नागपुर में वो है 1.07 लाख रुपीज रखी गई है। एंड फिफ्थ वन इज द NS200 इस बाइक की एक्सशोरूम प्राइस नागपुर में वो रखी गई है 1.29 लाख रुपीज। तो दोस्तों आपको ये कंपैरेटिव वाला वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आप इस चैनल पर नए तो भी सब्सक्राइब जरूर कर देना और बाजू वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियो।